Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Lizardi Gate Thana Kshetra ke Shyam Nagar Chawal wali gali ke rehne wali buzurg mahila Fatima mein achanak aag lag gayi. Fatima ke cheekhne chillane ki awaaz sunkar mohalle ke log daude aur Fatima ko jalta dekh logo ke hosh ud gaye. और उन्होंने किसी तरह आग को बुझाया। वहीं पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। महिला फातिमा का आरोप है कि उसके बेटे की पत्नी ने उनको जलाकर मारने की कोशिश की है। फातिमा का कहना है कि बेटे की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है और जबरन उनके घर में आकर रहने लगी। फातिमा घर में कुछ काम कर रही थी, तभी बेटे की पत्नी ने पीछे से आकर उनको आग लगा दी। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए इस बारे में पीड़िता से मिली जानकारी। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ आपके साथ में? ये तो हाँ, बहुत बात कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे पीछे से मैंने क्या डाल दिया भाई? जीने पे खड़ी होने आ रहा और एकदम आग लग गई मेरे अंदर। और मैं करिए मुझे बचाओ, मैं बाहर मेरे काम अंदर को फेंक। कितने डाला है? कोई उससे विवाद चल रहा है आपका? केस काय का कर रखा? अच्छा, अपने पीहर में रह रही थी, चोरी हुई थी हमारे परसों पर देखी। अच्छा, वो आ गई। अच्छा, फिर मैं सुबह हाथ धो रही थी अपने बैठे की आटा गूंथ के, मैं हाथ धोनी वहाँ से सर में, अब मेरे पीछे कहा गया ने क्या डाला, उन्होंने मेरा आग लगा दिया। बेटे की बीवी का नाम क्या है? पीड़िता के डॉक्टर का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। महिला कहाँ जाइए, क्या नाम है उसका? ये एक महिला आई है हमारे यहाँ, फातिमा, 72 साल की उम्र उन्होंने बताई है। वो निसारी गेट से आई है, थाने निसारी गेट से, श्याम नगर की रहने वाली है। वो लगभग सुपरफिशियल को डीप बन है और लगभग 30-40% के आसपास वो जलेगी ना, पीछे बैक में और नीचे लोअर लेग में। क्या स्थिति वैसे उसकी? ठीक है, बन वाले पेशेंट में ना 30% चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमने उनके डीडी के लिए भी एडवाइस किया है और उसके लिए ट्रीटमेंट भी उसका स्टार्ट कर दिया है, सर्जन को रेफर भी कर दिया है, सर्जन का इलाज भी चालू है। देखिए एसपी देहात पीयूष सिंह ने इस मामले में क्या कहा। ज्वेलनशील पदार्थ डाला है, क्या पूरा मामला है जैसा बताया, कौन से थाने का मामला है? ये आज 12 बजे के लगभग थाना लिसाड़ी गेट पे सूचना प्राप्त हुई थी कि गली नंबर 7 श्याम नगर में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उसको जल गई है। इस सूचना के तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार लगभग 30% बर्न बताया जा रहा है। महिला की स्थिति प्रधान दृष्टि खतरे से बाहर लग रही है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।